माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह, इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंब करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति ना जनता को अविश्वास है, ना सदन को अविश्वास है, और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने।